लंच का काम करने के बाद डेली ही मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती हूँ, क्योंकि खाली बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सोने की और टीवी देखने की आदत मेरी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, घर पे बच्चे वगैरह रहते हैं तो ज़्यादातर आफ्टरनून में मेरी उनसे बातचीत मैं उनसे कर लेती हूँ, तो वो भी एक टाइम पास हो जाता है। लेकिन क्योंकि उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो वो भी जो है नून के टाइम पे फ्री नहीं होते हैं, तो इसीलिए आफ्टरनून में ही मेरा थोड़ा सा डस्टिंग का रूटीन आ जाता है, कुछ DIY बनाने का रूटीन आ जाता है। और आज तो मैं आपके साथ शेयर वो भी कर रही हूँ जो मैंने किचन में चेंजेस किए हैं। तो देखिए, आफ्टरनून में के लिए मैं काम करने के लिए मैंने कुछ जो ग्लास की बॉटल्स थी वो साफ़ कर ली। एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बहुत ही मतलब पुराना सा बेकार सा ही बंच पड़ा था, उसको अब मैं यूज़ करूँगी। बाहर पड़ा हुआ था ये, तो इसमें से बस इसकी लीव्स वगैरह जो हैं वो कट कर लूँगी मैं, ताकि मैं इनको कहीं डेकोरेट कर सकूँ। और इसके साथ साथ देखिए, जो मनी प्लांट्स हैं या स्नेक प्लांट्स हैं, ये वाटर में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो हो जाते हैं, इनको मैं जो है इन कांच की जो बॉटल्स हैं इनमें लगाऊंगी। तो ये एक प्लास्टिक की बॉटल है जिसको कि मैंने डिकूपेज से थोड़ा सा डेकोरेट किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें मैं कुछ प्लास्टिक के जो आर्टिफिशियल जो लीव्स हैं उनको मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं करूंगी जिससे घर भी क्लीन हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा। और अगर मेरे पास क्लीनिंग का कुछ काम नहीं रहता है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ, जैसे अलमीरा वगैरह क्लीन कर लेती हूँ आफ्टरनून के टाइम पे। तो अब तो जो रेगुलर डस्टिंग है, खासकर जो बाहर का पार्ट है, जैसे लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है या ड्राइंग रूम है, इसकी डस्टिंग तो अब मैं आफ्टरनून में ही कर पाती हूँ। और इनकी डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो डोर्स वगैरह हैं, विंडोज़ हैं, वो मॉर्निंग में और इवनिंग में खुले रहते हैं। इस ठेले के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट से ख़रीदा था, और अगर ऑनलाइन होगा तो मैं लिंक दे दूंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से ये कांच की एक फ्रूट बास्केट है जो काफ़ी पुरानी है, ये भी मैंने काफ़ी पहले खरीदी थी, लोकल शॉप से ही मैंने इसको लिया था। तो धीरे धीरे करके ही चीज़ें जुड़ पाती हैं। तो बहुत सारा जो मेरा डेकोर आइटम है वो काफ़ी पुराना है। तो इस तरह से जब हम डेली डस्टिंग में कर रही थी तो उसी में देखिए कुछ डेकोरेशन भी हो गया। ये जो स्नेक प्लांट्स मैंने लगाए हैं ये मैं यहीं पे रख दूंगी, और इसमें देखिएगा कुछ दिनों बाद जो है रूट्स निकल आती हैं, और फिर मैं इनको जो है सॉयल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और वैसे भी अगर आप कहीं पे भी प्लांट्स रख देते हैं तो उस जगह में एक जान सी लाइफ सी आ जाती है। और ये जो दो छोटे छोटे से गुड्डे हैं, ये तब के हैं जब मेरा छोटा वाला बेटा होने वाला था। सामने रखती थी तो मदर इन लॉ हमेशा कहती थी ये सामने इन्हीं को देखती रहती है, जो बेटा होगा, बच्चा होगा, वो इन्हीं के जैसा हो जाएगा। तो मेरे जो डेकोरेशन के पीसीज हैं उनके साथ मेरी बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं, अक्सर आपके साथ मैं शेयर भी करती रहती हूँ। तो जो नॉर्मल मेरा क्लीनिंग का रूटीन है उसमें मैं मॉपिंग वगैरह तो मॉर्निंग में अब देखिए कर ही चुकी हूँ। क्लीनिंग की बास्केट है वो भी मैं रख लेती हूँ, और उसी में से सामान निकाल के मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो मेरी डस्टिंग है वो होती है। जो नीचे वाले पोर्शन की डस्टिंग है इसमें तो लगभग डेली ही डस्टिंग मैं करती हूँ, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है उसमें मैं एक दिन छोड़ के ही एक दिन डस्टिंग करती हूँ। तो जो डाइनिंग एरिया है इसकी तो पता नहीं कितनी बार सफाई हो जाती है। और देखिए, ये सब कुछ वही DIYs हैं जो मैं बनाती रहती हूँ। मेरे घर में आपको बहुत सारा जो डेकोरेशन मिलेगा वो DIYs का ही मिलेगा, और अब तो मैं ये सब आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो जो रेगुलर मेरी दोपहर की डस्टिंग है वो बहुत ही हल्की फुल्की सी है। और अब मैं आ गई ड्राइंग रूम में, और जो लिविंग एरिया है उसकी डस्टिंग हो गई है। और ड्राइंग रूम में जो ये लैंप है ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था, तो इसका भी मैं लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ। दो बल्ब इसके फ्यूज़ हो गए हैं जो चेंज करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे DIYs रखे हैं, और जो डेकोरेशन के पीसेज हैं वो ज़्यादातर मेरे लोकल शॉप्स के हैं। जैसे ये मैंने जयपुर से ख़रीदा था, वहाँ एक मॉल है, GIP मॉल है शायद उसका नाम, वहाँ से, GIP नहीं है, WTP मॉल है, वहाँ से लिया था। तो ये सब DIYs हैं, इन्हीं को डस्टिंग करते रहना मॉर्निंग में, क्योंकि ये वाली जो डोर है ये खुला रहता है तो यहाँ बहुत धूल आ जाती है। तो वैसे तो अगर धूल ना आए तो भी आप रुक सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग कर सकते हो। तो जो कॉर्नर की डस्टिंग होती है, इसे तो सेंटर टेबल की डस्टिंग है, ये तो रोज़ ही करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कॉर्नर वगैरह में जो सामान रखा रहता है या जो स्टूल्स रखे रहते हैं, जैसे देखिए ये, इनकी डेली डस्टिंग नहीं हो पाती, मतलब इनको तो मैं एक दो दिन छोड़कर ही करती हूँ। ये भी देखिए DIY ही है, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने ये भी।
तो इस तरह से जो कॉर्नर्स हैं वो कभी कभी साफ होते हैं और जो मेन पार्ट होता है रूम का उसे डेली ही साफ मैं करती हूँ। तो जो बेडरूम्स हैं वो तो मॉर्निंग में हो गए हैं, तो इस तरह से ये ड्राइंग रूम की भी क्लीनिंग हो जाएगी। और क्लीनिंग का एक रूटीन है मेरा, जिसमें कि डेली डीप क्लीनिंग है डेली की, और डीप क्लीनिंग का रूटीन अलग है और मंथली क्लीनिंग का रूटीन अलग है, वो सब मैं अब आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। तो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि घर गंदा है या फैला हुआ है। तो मेरी भी यही हैबिट है, क्लीनिंग करते रहना डेली लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन करते रहना, और अब तो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किचन में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो किचन की मैंने डीप क्लीन जब करा था आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो एक वॉल शेल्फ थी, उस वॉल शेल्फ में देखिए बहुत सारा सामान ये यहाँ पे रखा रहता है। ये करीब 48 इंचेस की वॉल शेल्फ है और इसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन बनाने के लिए यहाँ पे लगाया था, लेकिन इसमें मैं बहुत सारा सामान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं रख पाई, तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि किचन में आप जितनी जगह फ्री रखोगे वहाँ पे उतना ही सारा सामान हो जाता है और अननेसेसरी वो हमेशा भरा भरा सा दिखाई देता है। और जो ब्रैकेट्स के ऊपर वॉल शेल्फ लगाते हैं उन्हें निकालना भी बहुत आसान होता है, तो ये बिल्कुल मैंने आसानी से यहाँ से जो है शानू से निकलवा ली, बिल्कुल आसानी से यहाँ से निकल गई। तो अब मैंने जो चेंजेस किए किचन में उससे किचन काफ़ी खाली खाली सी लगने लगी। और एक डेली लेवल पे मेरी आदत है किचन में मैट बिछाने की, ताकि गंदी किचन ना हो, पानी वगैरह के छींटों से जो फर्श है वो बहुत गंदा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्की फुल्की सी ये किचन हो गई, वॉल शेल्फ निकल गई यहाँ से। तो अब जो मैंने इसका वॉल पे भी जो सामान लगा रखा है ये भी मैंने चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए ये जो मेरी रैक है जो घुसते ही साथ किचन में रखी हुई है, इसमें बहुत सारा सामान रखा रहता है, जैसे कुछ जार्स हैं मेरे छोटे मोटे या शो पीसेज हैं, ये सब लोकल मार्केट से खरीदे हुए शो पीसेज हैं। कुछ प्लांट्स भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जैसे पीस लिली के मेरे पास 3-4 पौधे हैं, सब में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें जगह जगह घर के अंदर प्लेस कर रखा है। बहुत ही सूदिंग सा एरिया लगता है जब आप रख देते हो प्लांट्स अंदर। और देखिए ये मेरा पिकल कॉर्नर था पहले, यहाँ पे मैंने कुछ अपने जो है पिकल्स रख रखे थे, अचार रख रखे थे, और इस वॉल शेल्फ को मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये भी काफ़ी पुरानी है और जो अब अचार का सामान मुझे मिल नहीं पा रहा है सारा, तो इसलिए मैं डाल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे काफ़ी ख़त्म भी हो गए हैं, लेकिन जैसे ही डालूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इस वाली वॉल पे पहले लगे हुए थे ये कुछ मेरे फ्रेम्स, जो कि मैंने नेट से इनके प्रिंटआउट्स नेट से सर्च करे थे और इनके प्रिंटआउट्स मैंने निकाल के यहाँ पे लगाए थे, अपने किचन मेकओवर वीडियो में मैंने शेयर किए थे, और अब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। देखिए ये गिफ्ट रैप पेपर है जो कि मैंने अमेजोन से लिया था, उसको मैंने फ्रेम में करके यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया, तो ये पूरा एरिया ही चेंज हो गया है, ग्रीन ग्रीन सा लुक आता है। और ये भी एक यहाँ पे घड़ी मैंने लगा रखी है, ये भी अमेजोन से ली थी। तो ये एरिया जैसे ही हमने किचन का मैंने वो हटाया वॉल शेल्फ, तो बड़ा खाली खाली सा हो गया। ये बैम्बू प्लांट करीब 2 साल पुराना है, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, बैम्बू प्लांट की केयर का वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा। तो इस तरह से मेरी किचन का जो ये हाफ पार्ट था इसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, और यहाँ रखा हुआ है आरओ का ये स्टैंड है, इस पर कभी मैं मनी प्लांट रख देती हूँ, कभी स्पाइडर प्लांट में रख देती हूँ, क्योंकि इसी के पास में विंडो है किचन की जिसमें से बहुत अच्छी हवा और धूप आती है, जिससे यहाँ पे पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। किचन की विंडो को भी मैं बार बार चेंज करती रहती हूँ, सजाती रहती हूँ, जो कि आप मेरे रेगुलर वीडियोस में देखते रहते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखती हूँ। तो अभी तो मैंने ये डाफ वैरायटी के कुछ एरेका पाम्स रख रखे हैं। तो इस तरह से ये एरिया जो है मेरा बहुत ही ग्रीनरी को लेकर बड़ा ही सुंदर लगता है। बहुत सारी यहाँ आइटम्स मैं नहीं रखती हूँ ऊपर, और नीचे की तरफ जो ये रैक है इसमें रहता है वो सारा सामान, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे बार बार जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद आता है मेरा प्लेटफॉर्म का एरिया, जिसमें भी मैंने कुछ चेंजेस किए थे जो कि आपके साथ शेयर किए थे। वहाँ मैंने ग्लास की जो है वॉल शेल्फ लगा दी थी, जिससे प्लेटफॉर्म खाली खाली सा रहता है। ये देखिए ये दुल्हन बैठी हुई है, यहाँ पर मेरी मिक्सी है, तो फ्रेंड्स बोलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी दुल्हन ने नई बहू ने घूंघट मार रखा हो। ये सब खुद के बनाई हुई चीज़ें हैं मेरी, जो कि आपके साथ मैंने रिसेंटली अभी वीडियोज़ में शेयर करी हैं।
अगर आपने नहीं चेक करी हो तो प्लीज़ आप चैनल के वीडियोस पे जाके ज़रूर चेक करिएगा। और इन सब DIYs के बाद देखिए ऊपर जो वॉल शेल्फ है उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। ये है एक वुडन की मसाला दानी जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इसलिए पसंद है कि ये कुछ पुराने ज़माने की सी याद दिलाती है जब लकड़ी की मसालदानियाँ हुआ करती थी। तो इस तरह से जो ये मेरा प्लेटफॉर्म का एरिया है ये देखिए काफ़ी खाली है और बहुत सारा सामान मेरा इन्हीं वॉल शेल्फ पे आ गया है। और वैसे भी ये देखिए मेरे जो ये ड्राई फ्रूट्स के जार हैं खाली हैं, राशन आ गया है, मुझे इनमें अभी भरना है तो इन्हें धो के ही भरूंगी, कल भर दूंगी इसमें। तो इस तरह से मेरा प्लेटफॉर्म का एरिया काफ़ी खाली रहता है। इसमें रखती हूँ छोटे छोटे से डेकोरेशन के पीसेस, जैसे ये शेफ़ का एक प्लांटर स्टैंड टाइप ही है, इसे मैं इसमें ज़्यादातर प्लांट्स वगैरह रख देती हूँ। और ये है एक ऑयल केन का स्टैंड, बहुत पसंद आप लोगों को आता है, लिंक मैंने इसका आपको कई बार प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से मेरी किचन में छोटे छोटे चेंजेस से मेरी किचन बहुत ही सुंदर सी हो गई और थोड़ी सी खाली खाली सी लगने लगी। मुझे बहुत पसंद आई अपनी ही ये किचन और इन सब चीज़ों को, तो क्योंकि किचन के वीडियोस तो मैं डेली ही लगभग आपके साथ मतलब शेयर करती हूँ तो उसमें किचन आ ही जाती है, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो आप लोगों को दिख ही जाते हैं। तो देखिए इस तरह से किचन हो गई साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ों का रिव्यू जो कि रेगुलर आप लोग पूछ रहे हो, और वो है जो मैंने विनोद ब्रांड की ये कढ़ाई खरीदी थी और जो मैंने ये कुकर लिया था। तो जब मैं मम्मी पापा के पास गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, वीडियो का लिंक दूंगी आप देख लीजिएगा। ये अच्छी है, बहुत बढ़िया है, स्टील की बनी हुई है और जलती भी नहीं है ये बिल्कुल। लेकिन बस एक दिक्कत इसके साथ ये है कि इसका जो नीचे का एरिया है वो फ्लैट है, तो जब कभी भी कुछ डीप फ्राई करना होता है तो उसमें काफ़ी सारा ऑयल हमें भरना पड़ता है। तो इस वजह से जब कभी भी मुझे डीप फ्राई करना होता है तो मेरे पास एक आयरन की कढ़ाई है, मैं उसका यूज़ करती हूँ। और बाकी तो ये वैसे सही है, अच्छी है अब तक। और इसके अलावा जो कुकर है वो हॉकिंस का है, वो भी स्टील का है क्योंकि मैंने एल्युमिनियम का कुकर हटा दिया है, तो ये भी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप लोगों ने बहुत पूछी है कि जब मैं अपने मम्मी पापा के पास गई थी तो जिन थालियों में मैं खाना खा रही थी वो प्लेट्स कौन सी हैं। तो देखिए ये स्टील की बनी हुई कुछ इस तरीके की बहुत ही नॉर्मल प्लेट्स हैं, ये मम्मी ने ही मुझे दी थी तो मुझे इनका प्राइस नहीं पता है कितना है, बहुत पुरानी है, करीब 7-8 साल ये पुरानी है। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि अननेसेसरी जो आपकी कटोरी वगैरह है वो गंदी नहीं होती हैं और सारा खाना एक ही जो है उसमें आ जाता है, एक ही थाली में आ जाता है। तो इस तरह से आज का दिन का जो भी मेरा क्लीनिंग का रूटीन था और किचन का जो मैंने चेंजेस किए वो आपके साथ शेयर किए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके साथ एक चीज़ और है, जैसे अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वाले तो प्लीज़ उन्हें चेक करिए, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मेरे पुराने वीडियो से ही रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।